हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ होंडा साइन का ये सिलेंडर किट है, बोर करना है, कैसे बोर करना है, कितना कट लगाना है, सब कुछ बताऊंगा, कैसे मशीन के अंदर फिट किया जाता है। लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, ठीक है, किसी के भी जैसे क्या होता है ना, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो बोर करते हैं तो मतलब जो कुछ प्रोफेशनल कस्टमर होते हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ खास कस्टमर होते हैं, उनका बोर कुछ अलग तरीके से कर देते हैं, बाकी जो कभी कभी आते हैं उनका अलग तरीके से कर देते हैं। ये चीज़ हमने देखा है। जैसे कोई कस्टमर होता है जो भाई डेली बाय डेली काम लाता है, या मतलब हफ्ते में एक दो इंजन खोलता है, ठीक है, तो उसका काम अच्छे से करते हैं, पर कोई महीने में खोलता है तो उसके काम पर उतना ध्यान नहीं देते, बोलते लड़के लोग को बोलते यार कर दे तो बोर इसका, ठीक है, तो ऐसा काम मत करें। इसलिए मैंने वीडियो में दिखाया कि चाहे वो आपकी सिर्फ कोई बहुत बड़ा आदमी आ जाए, ठीक है, कोई सेलिब्रिटी आ जाए, मतलब कोई शाहरुख खान सलमान खान भी आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, बोर वैसे ही करें, अपना हाथ मत बिगाड़ें, ठीक है, कभी भी अपना हाथ मत बिगाड़ें। किसी का भी बोर करना हो, चाहे वो आपके पास महीने में एक बोर करवाने आए या डेली बाय डेली आता हो, ठीक है। तो देखिए, हम इसका माइक्रोमीटर पहले सेट कर लेते हैं, जैसा आप देख सकते हैं। देखिए, हमने इसका माइक्रोमीटर सेट कर लिया है, 75 नंबर का बोर करना है, ठीक है, तो अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर मीटर आपको वीडियो में अच्छे से दिखे तो एक मिनट आपको दिखाता हूँ। देखिए, 51-38 जो मैंने माइक्रोमीटर में आपको बता रखा है, 51-38, ठीक है, तो ये सेटिंग है 75 नंबर होंडा साइन का, जो कि 52.4 mm का पिस्टन होता है, तो ये सेटिंग उसकी है 51-38 75 नंबर के लिए, ठीक है। तो हमने इसको सेट कर लिया है, अब इसको मशीन के अंदर डाल देते हैं, फिर ये हमारा कट लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि किसी का भी बोर हो, मतलब अगर महीने में आदमी आता है एक बार बोर करवाता है, तो ऐसा नहीं कि आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि भाई हर आदमी का तकदीर एक तरह नहीं होता है, ठीक है। किसी की तकदीर ऐसी होती है कि उसके कि हाँ प्रत्येक दिन इंजन खुलता रहता है, काम आता रहता है, पैसे ज़्यादा कमाता है, पर कोई ऐसा गैरेज वाला भी, ऐसा मैकेनिक भी हो सकता है जिसके यहाँ महीने में एक इंजन खुलता हो। अब उसकी तकदीर है, थोड़ा पैसा कमा रहा है, तो अब ये नहीं है कि उसका काम अच्छे से मत करो, ठीक है। बहुत से खराद वालों को मैंने ये देखा है, ठीक है, कि मतलब जो चेला या काम करने वाले लड़के होते हैं उनको लगा देते हैं, कर दो। आप कोई भी काम करें, ठीक है, अपने हाथ से करें, जहाँ तक हो सके अपने हाथ से ही काम करें, ठीक है। लड़के लोगों से काम करवाएं अगर, तो खुद से चेक करके दें। मैं ये नहीं कहता कि किसी लड़के को काम करने को मत दो, अगर काम करने का नहीं दोगे तो वो सीखेगा कैसे, काम करने के लिए उसको दो, लेकिन फिर भी जब उसका काम हो जाए, मुकम्मल हो जाए पूरा काम, तो उसका एक बार से ज़रूर आप उस चीज़ को चेक कर लें कि रिंग में गैप कितना है, पिस्टन कितना लूज़ है, कितना टाइट है, सारी चीज़ें ध्यान से देख लिया करें। तो देखिए, हमने इसका कट लगा लिया, अब इसको मैनुअली कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं सिलेंडर निकाल करके बाहर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो जब आपका कट लग जाए तो ये जो नीचे जो हमारा कटिंग टूल है, ठीक है, जो धार है जिससे हम कटिंग करते हैं, उसको जो है बाहर पहले निकाल लें, नीचे निकाल लें, जिससे क्या होगा कि जब हैंडल को घुमा करके आप एक्सपेंडल को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो अंदर एक खड़ा धारी की तरह एक स्क्रेच लग जाता है, वो स्क्रेच नहीं लगेगा अगर आपने नीचे से निकाल लिया है तो, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से हमने इस सिलेंडर को बाहर कर लिया, आप देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं आप, अच्छी तरीके से हमारा ये कट लग चुका है। अब हम इसको होनिंग मशीन पे रख के इसकी होनिंग करेंगे, और होनिंग करेंगे उसके बाद इसका रिंग भी चेक करेंगे, सब कुछ चेक करेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो तो एंड तक बने रहिएगा। और इस तरीके की अगर जानकारी चाहिए या कोई भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में जवाब देने की कोशिश करूंगा। बीच में वीडियो नहीं बना पाता हूं क्योंकि थोड़ा व्यस्त, ज़्यादा व्यस्तता के कारण से जो है वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम इसको होनिंग पे सेट कर लिए हैं, अब होनिंग स्टोन जो हमारा 220 नंबर का होनिंग स्टोन है, ठीक है, उसको इसके अंदर लगा देते हैं, ठीक है। ये एक पत्थर होता है, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, ठीक है, तो एक पत्थर होता है जो इसको घिसता है, तो इस तरीके से घिस करके इसको बोर किया जाता है। अब देख सकते हैं पत्थर इसके अंदर चलता रहेगा, हमने इसे टाइट कर दिया है। और हाँ, एक बात और, बहुत से खराद वाले हैं जो मिट्टी का तेल में लगाने में बहुत कंजूसी करते हैं, भाई ऐसा काम मत करें, ठीक है। कोई कुप्पी में भर लेगा 10-20 ग्राम मतलब मिट्टी का तेल ले लेगा, उसी से बोर कर देगा, भाई ये अच्छा चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि तेल उसको बराबर होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि फिनिशिंग अच्छी आएगी, आपका काम अच्छा होगा, ठीक है। और क्या करते हैं, देख सकते हैं 75 नंबर साइन का पिस्टन उषा कंपनी का, जब भी डालें तो ओरिजिनल पिस्टन डालने की कोशिश करें जहाँ तक हो सके, ठीक है।
उसके बाद एक चीज़ और, फिनिशिंग ज़रूर दें इसके अंदर, जो पॉलिश होती है पॉलिश ज़रूर दें। पॉलिश करने से क्या फ़ायदा होता है, मैंने पहले भी आपको एक शॉर्ट वीडियो में दिखाया, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं कि जब क्रॉस बोरिंग होती है तो उसके अंदर जो ये स्टोन का या रेजमार से पहले घिसते हैं, कुछ लोग रेजमार का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जब इस्तेमाल करते हैं रेजमार का तो अंदर एक क्रॉस की तरह से एक स्क्रेच लग जाता है। तो स्क्रेच से क्या प्रॉब्लम होती है पता आपको, जब हम पॉलिश नहीं करते हैं तो स्क्रेच दिखते नहीं हैं, ठीक है। तो हम इसको डालते हैं इसके अंदर, तो अभी ये हमारा टाइट है पिस्टन, ठीक है। तो जो स्क्रेच होता है वो दिखता नहीं है क्योंकि पॉलिश नहीं होता, और जब हम इस पर पॉलिश लगा देते हैं तो तुरंत हमें नज़र आ जाता है कि ब्लॉक के अंदर जो स्लिप है उस स्लिप में जो स्क्रेच लगा है या नहीं लगा है, तो ये स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ पॉलिश मार लगाएं, फुल पॉलिश करें, जिससे कि आखिर आगे चल करके आपकी गाड़ी पॉलिश होनी है। अगर आज आपने क्रॉस बोरिंग कर दिया, आपके अंदर स्क्रेच है और स्क्रेच नहीं दिख रहा है, या स्क्रेच नहीं भी आपने पॉलिश कर दिया लेकिन जब गाड़ी का रिंग चलेगा ना उसके अंदर, तो ऑटोमेटिक पॉलिश हो जाएगा, बाद में वो नज़र आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ तुरंत पॉलिश करो, उससे सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी कि सिलेंडर के अंदर प्रॉब्लम है या नहीं। तो हमारा बोर ये बिल्कुल हो चुका है, ऊपर से भी डाला पिस्टन, नीचे से भी डाल करके देख लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। हल्का सा टाइट महसूस हो रहा है, मतलब पिस्टन ऑटोमेटिक नहीं गिर रहा है। तो अब हम इसमें लगाएंगे पॉलिश पेपर 400 नंबर का या 360 का, जो भी आपके पास हो, 360 या 400 लगाएं, उससे छोटा नहीं, मतलब 360 से कम ना लगाएं, 400 तक लगा दें, और कम से कम 200, 250 या 300, ठीक है, इतना पॉलिश आप ज़रूर कर दें, जिससे क्या होगी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी, जब तो जो अंदर स्क्रेच है वो नज़र आ जाएंगे। बस बताने का मकसद यही है, फिनिशिंग करना, ठीक है। दो चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, दो चीज़ बताने का मकसद था, इसीलिए इस वीडियो को बनाया हूँ, कि जो स्क्रेच है वो नज़र आ जाएगा अगर आप पॉलिश करते हैं, पॉलिश पर ज़्यादा ध्यान दें। और दूसरी चीज़, किसी का भी हो, चाहे वो मतलब डेली आने वाला कस्टमर हो या महीने में या दो महीने में एक बार आने वाला कस्टमर हो, कोई भी कस्टमर हो, काम आप बेस्ट तरीके से करें, ठीक है। ये नहीं मतलब काम करो बेगारी लेकिन अपने हाथ मत बिगाड़ी, एक कहावत आपने सुनी होगी कि काम करो बेगारी पर अपना हाथ मत बिगाड़ी, किसका मतलब काम आप फ्री में कर दो वो चलेगा लेकिन अच्छा करो, ये नहीं कि मतलब फ्री वाला है तो जैसे तैसे करके दे दो, इससे क्या होगा कि आपका ही नुकसान होगा क्योंकि आपकी आदत जो है बिगड़ जाएगी। तो चलिए हम इसको, हमारा ये पॉलिश अब ये हो चुका है, हम बाहर निकालते हैं सिलेंडर को। सिलेंडर को बाहर निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या है, फिनिशिंग कितनी आई है, गैप कितना है, क्या है आई थे। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा फिनिशिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से अभी आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए पूरा आईने की तरह चमक रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको बोर करना है, फिनिशिंग ऐसी आनी चाहिए, जब हमने पॉलिश कर दिया तो ये नज़र आ गया, ठीक है। तो चलिए रिंग का गैप भी चेक करा लेते हैं, ठीक है, रिंग का गैप भी चेक कर लेना। जब भी आप किसी मतलब किसी काम करने वाले लड़के से आप बोर करवा रहे हैं तो रिंग ज़रूर चेक करना, अगर आप एक मैकेनिक अपने हाथ से कर रहे हैं तो नहीं करेंगे तो चल जाएगा। देखिए बाल बराबर गैप है, ज़रा सा गैप होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और पिस्टन भी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ना तो लूज़ होना चाहिए ना तो टाइट होना चाहिए। यह होंडा साइन है, होंडा साइन में ज़रा सा पिस्टन लूज़ हुआ तो ज़्यादा आवाज़ तो नहीं करेगा लेकिन जब आप एक्सीलेटर खींचोगे तो कर की आवाज़ उसमें आएगी ज़रूर, ठीक है। तो बिल्कुल रिंग परफेक्ट है। तो इस तरीके का अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा कि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और इस वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, अगर आपका कोई सवाल है कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।